हाय व्हाट्स अप पीपल, सोच रहे हो कि लिपस्टिक लगा के रखा हुआ है। ये लिपस्टिक कहीं गई थी, वहाँ से आई हूँ इसीलिए लगाया हुआ है। इवन तो मास्क पहन के गई थी बट स्टिल। सो व्हाट्स अप पीपल, एंड मैं अभी बैठी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ। क्या कर रही हूँ? आई डोंट एक्चुअली, पिंपल आ गया मुझे। एंड आप सोचोगे कि पिंपल का इलाज ये वो, मैं इमीडिएटली इतना रश नहीं करती, इतना घबराती नहीं हूँ पिंपल से। ये आया है, ये चला जाएगा। इसका बेस्ट अंदरूनी इलाज अगर बताऊँ तो कुछ ठंडा ठंडा खाना चाहिए, लाइक आप दही खाओ, पानी पियो, एंड वाटरमेलन खाओ, जो भी ठंडी चीज़ें होती है ना वो खानी चाहिए। पिंपल्स बेसिकली हमारे पेट की गर्मी की वजह से होती है, तो आप अगर लाइक ठंडी चीज़ें खाओगे तो ऑटोमेटिकली पिंपल क्योर हो जाएगा। और उसको कुछ भी इमीडिएट इलाज मत खोजा करो, एंड ऑफ द डे स्किन है, ज़्यादा आप छेड़खानी करोगे तो नुकसान होता है चेहरे को। बाकी हाँ, थोड़ी बहुत केयर जो क्लीनिंग होती है ये सब आपको करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। सो वो मेंटेन करो तो ठीक रहेगा, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। अभी बज गया रात के 7:00 एंड मैं जा रही हूँ कुकिंग करने। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज डिनर में लाइक वो कभी वो वाली भूख होती है ना, व्हेन यू जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग एंड आपको फिर भी खाना है, तो वो जो भूख होती है उसको मेरे लैंग्वेज में तो मैगी वाली भूख कहते हैं। सो आई हैव कम टू द किचन एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर मैगी विद, बट कंसिडरिंग दी यू नो हेल्थ साइड, आई एम गोइंग टू बी कुकिंग दी आटा मैगी बट इन चाउमिन स्टाइल, एंड वो हम लोग डिनर में खाएंगे। सो चलो बनाते हैं साथ में मैगी। सो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो प्याज लिया, उसे लंबा लंबा काट लिया, एक मिर्ची ली, दो मिर्ची एक्चुअली चार मिर्ची ली थी, सो इन सबको काट लिया लंबा लंबा सबको। एंड कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, सरसों ऑयल कुछ भी आप दे सकते हो, बट आई कंसिडर सरसों ऑयल ओवर रिफाइंड बिकॉज दैट्स मोर बेटर फॉर द हेल्थ। एंड इसे मैंने ऑयल में लाइक थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इसमें दिया थोड़ी सी लाइक धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाइक जस्ट नाम बराबर, एंड थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, सॉल्ट ज़रूरी है बिकॉज प्याज को सॉल्ट चाहिए होता है अच्छा टेस्ट लाने के लिए। सो वो सारा दे करके मैं इसे रेड कर लूँगी, एंड इसे रेड करने के बाद उसमें पानी डाल दूँगी, पानी में दे दूँगी मैं मैगी, एंड मैगी के अंदर दे दूँगी मसाला। और मसाले का प्रो टिप बता दूँ आप लोगों को, जब भी पानी गर्म पानी में आप मैगी डाल रहे हो तो लम्स बनने का डर होता है, तो एक कटोरी में आप मसाले का पैकेट काट करके मसाला उसमें डाल लो, उसे अच्छे से मिक्स कर लो फोक से, एंड देन डालो तो मसाला अच्छे से हर एक एक मैगी की जो लंबी लंबी वो होती है ना, जो भी होती है उसमें टेस्ट बहुत सही आता है। तो यहाँ पे मैं ये सब काम कर रही हूँ, एंड वेज वाई आई ब्लॉग, बिकॉज मुझे ना आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करके अच्छा लगता है, जब आप खुश होते हो, कमेंट्स करते हो ना, सो मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ मस्ती करूँ। एंड मोर ओवर इन दिस प्रोसेस मैं आप लोगों को एक अच्छा सा न्यूज़ देना चाहती हूँ, मैं वर्कआउट चैलेंज वाला वीडियो कल परसों से शायद शुरू करूँगी। मैंने अब जिम जाना शुरू कर दिया, लाइक अब मैं जिम जाऊँगी एंड वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत ही वर्कआउट करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती बिकॉज मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो रखी है, लेकिन आई विल बी डूइंग द वर्कआउट। एंड उस वर्कआउट के बाद में मैं एक चैलेंज डालूंगी, जैसे आप देख रहे हो मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा है, तो अभी मेरे को सबसे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा मैं अपने पेट को कम करूं। सो इसीलिए मैं वर्कआउट शुरू करूंगी, एंड मैं आप लोगों के साथ 14 डेज़ का पहले तो चैलेंज लाऊंगी, ताकि 2-3 इंच भी कम होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड आई विश कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो मेरे साथ, तो हो सकता है कि इस बीच में जो व्लॉग्स होंगे वो कंटिन्यूसली आएंगे। एक प्रो टिप, 2 मिनट के पीछे में 0 लगाना भूल जाते हैं मैगी वाले। प्लीज़ आप जब भी मैगी खरीदो तो 2 के पीछे 0 लगा लो। वैसे 2 मिनट वो बोलते हैं, मेरे इन सारे प्रोसेस को तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, तो चलो ठीक है 2 मिनट ही, तो 5-15 मिनट ले लो, मेरे हो गए 25 मिनट ही बनाते हुए। टाइम लैप्स में देख लो, पता है आपको हलवा नहीं चलेगा। बहुत है, बहुत ले लो यहाँ से, यहाँ से ले लो।
अमूल जब के दिए थे। कुछ भी नहीं, बस प्याज भूंज के डाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक, बस। बहुत टेस्टी बना ना। आप लोग भी खाओ। What's up guys? Hello, good morning. It's a coffee time. So today I woke up so late. Like मैं सो करके उठी रहा, I was quite late. And बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। लगा लेट उठने का रीज़न क्या था? You see, बारिश बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। And I was like, आज तो उठते उठते मुझे 9:30 बजे है। So just woke up and I'm going to have my coffee. So चलो बाहर बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं। हाय, क्यों ना ज़मीन में बैठ के कॉफ़ी का आनंद लिया जाए। रात वाली मैगी बची होती ना तो कॉफ़ी के साथ पीने का अलग ही मज़ा होता। हाँ, कीड़ा कट गया। वाह, यहाँ ठीक है। पता है मुझे कीड़ा कट गया, लेकिन फिर भी कैमरा के सामने मैं बड़ी परफेक्ट एक्ट कर रही हूँ, बट इन रियल मुझे कीड़ा काट गया था, बहुत गंदा वाला। ये मेरा स्टाइल है खुजली भगाने का, इसे कहते हैं व्लॉगिंग करने बैठे हैं बट करने को कुछ नहीं है। आई होप आप लोग क्या आए। 5 hours later ये है टेस्टी डिलीशियस मसालेदार चिकन। ये है बिल्कुल देहाती चिकन, रेस्टोरेंट में अभी इसे देहाती चिकन के स्टाइल में खाते हैं। This is so amazing, yaar. Can't wait to have you. तो गाइज़, ये जो प्लेट में आप देख रहे हो ना, दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ कोकोनट ऑयल एंड मेथी ऑयल। अभी गर्मी का सीज़न है तो मैं इसे कोकोनट से मिक्स करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लाइक यू नो गर्म ना हो जाए सर। तो मैंने इन दोनों को रख दिया। कोकोनट ऑयल मैं फ्रिज में रखती हूँ तो वो गर्म था, तो मैंने ये देखो सन शेड में रख दिया इसी के सामने, इसी में इसी के अंदर ही बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया। और मैं अपने हेयर केयर के लिए इसको अभी यूज़ करूँगी, अपने बालों पर लगाऊंगी, एंड देन उसके 2 घंटे के बाद आई टेक द हेयर शावर। सो गाइज, मैंने कर ली हेयर की अच्छे से ऑयलिंग, आप देख सकते हो। एंड ऑयलिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको वीक में एटलीस्ट 1 टाइम तो करना चाहिए, एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल। बट कोविड के टाइम पे जो भी घर पे फंसे हुए हो, लाइक बंद हो, नहीं जा रहे, तो एटलीस्ट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रेजुविनेट योर स्किन एंड टेक केयर ऑफ योर हेयर। एंड बालों का अभी से केयर करना है इज़ लाइक एन इंश्योरेंस, अगर अभी करते हो तो फ्यूचर में बुढ़ापे में खोना नहीं पड़ेगा। एंड रही बात, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, लाइक मैं देखती हूँ यूट्यूब पे भी हैं, जिसमें वो लाइक यू नो गारंटी करते हैं कि ऐसा करोगे तो ग्रेइंग होना बंद हो जाएगा। देखो मैंने ऐसा भी देखा, लाइक मैं टीचर, मेरे क्लास में एक बच्चा था जिसके पूरे बाल वाइट थे। सो जो आपके बालों की जो ग्रेइंग होती है ना, वो होता है आपके पेट की वजह से, पेट की गर्मी से। समवेयर इट इज़ हेरिडेटरी ऑल्सो, कि देखो हर हेरिडेटरी का ना अपना अपना एक रीज़न होता है, जीन्स का। किसी किसी के फैमिली में आप देखो कि दांत बहुत कमज़ोर होते हैं, किसी की फैमिली में आँख बहुत कमज़ोर होती है, किसी के में बाल कम होते हैं, तो इट्स ऑल हेरिडेटरी। मेरे बाल हैवी हैं, येस आई गॉट इट एज अ ब्लेसिंग, एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, लेकिन मेरी आइज़ कमज़ोर है, विच आई गॉट ऑल्सो एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। सो इट्स लाइक यू नो ये आपका अपना हेल्थ का होता है, लेकिन जो आपको मिला होता है वो बच्चा रहे, वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए आपको केयर करनी चाहिए। ये फैक्ट मैं आपसे बता रही हूँ। सो आप केयर करो, बालों में तेल लगाओ, एंड थोड़ा सा केयर करोगे, प्यार करोगे अपने स्किन को, बाल को, इट विल गिव यू, ओ माई गॉड, सच अ ब्यूटिफुल बर्ड, तोता। सो केयर करोगे तो बालों का केयर इज़ लाइक एन इंश्योरेंस, बाल बचे रहेंगे। तो गाइज, आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और मेरे पास जो भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स थे मैंने उन सब ऑल टुगेदर आपके साथ शेयर किया 2-3 दिन का। एंड ऑल्सो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं किया, मेरी हेल्थ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम चल रही है, सो दैट्स वाई अभी थोड़ा सा मैं लो प्रोफाइल रख रही हूँ। एंड ऑल्सो हो सकता है कि आज 1-2 दिन मेरे ब्लॉग्स ना भी आए वीडियोज़, बिकॉज मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था एंड उनका ये फट गया लाइक, एंड काफ़ी डर गए थे हम, इज़ क्वाइट एज, आप लोगों ने देखा है शनि मंदिर वाले ब्लॉग में पापा को, उनकी एज काफ़ी है।
तो उन्हें चोट आ गई थी यहाँ पे इसीलिए मैं अच्छा सा लाइक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया था। बट आई एम हैप्पी कि उनको पीछे में नहीं आया था बिकॉज दैट लीड्स टू वेरी यू नो डेंजर हैपनिंग मिस हैपनिंग एंड ये कल हुआ था। सो आज मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। आई डोंट नो कल परसों मैं भी वीडियो डालूंगी एंड बिकॉज आई एम प्लानिंग कि मैं वर्कआउट शुरू करूँ बट पापा थोड़ा सा ठीक हो जाए तो कल से हो सकता है मैं वीडियो वगैरह शुरू करें। ऐसे ही इज़ फाइन, इज़ आउट ऑफ डेंजर, उनको कुछ हुआ नहीं सीरियस, लेकिन एक एज के बाद अगर किसी को चोट आती है तो लिटिल बिट्स कैरी एंड ही इज़ फाइन, ही इज़ कीपिंग फाइन। आप लोगों की प्रेयर्स बस चाहिए हमें, मुझे और मेरे फैमिली के लिए। आप लोग प्रे करते रहिए हमारे लिए। एंड ऑल्सो बहुत जल्दी मेरे बर्थडे के काउंटडाउन के लिए मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉग डालूँ। सो मेरा बर्थडे आने वाला है विच इज़ ऑन 12th of September। सो मैंने सोचा है कि अपने बर्थडे व्लॉग शूट करूँ। एंड आप भी चाहते हो कि मैं मेरा बर्थडे व्लॉग शूट करूँ तो उसके लिए प्लीज़ नीचे कमेंट छोड़ो। अगर मुझे लिटरली 2-4 कमेंट आएंगे उसके लिए तो ही मैं बर्थडे व्लॉग करूँगी, वरना बेवजह नहीं करूँगी। एंड टिल नाउ सो फार इतने दिन तक मेरे साथ टच में रहने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड विद दिस आई एंड दिस ब्लॉग। आई लव यू ऑल, टेक केयर। एंड जस्ट इन केस यू हैव लाइक आपको ये वीडियो ऐसे ही रैंडमली दिख गई है, आप एक विजिटर हो तो हाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जिसका नीचे में एक बहुत प्यारा सा रेड कलर का क्यूट सा बेल बटन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब एंड बेल बटन दोनों दबा दीजिएगा। एंड बी विद माई चैनल। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।